कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। हाँ जी दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं प्राचीन सिद्ध दारिद्र भंजन मंदिर। दोस्तों ये महादेव का बहुत पुराना मंदिर है। दोस्तों अब हम चलते हैं अंदर की ओर, और अंदर जाते ही हम सबसे पहले होते हैं नंदी भगवान के दर्शन। जय हो नंदी महाराज। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अंदर शिवजी महाराज के दर्शन करने। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। तो हाँ जी दोस्तों, हमने शिव जी के कर लिए हैं दर्शन। अब चलते हैं हम मंदिर के जो पहले पुजारी होया करते थे उनके पास। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पुजारी जी बैठे हैं, ये इनकी समाधि बनी हुई है। हाँ जी दोस्तों, आज हम आपको दरिद्र भंजन मंदिर की विशेषताएं बताते हैं। दोस्तों जो भी यहाँ पर 40 दिन तक माथा टेकता है और जल चढ़ाता है उसकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। बाकी दोस्तों आइए पंडित जी से पूछते हैं इस मंदिर की विशेषताएं के बारे में। तो दोस्तों अभी पंडित जी व्यस्त हैं साफ़ सफाई में, तो हमें एक भैया मिले हैं, तो उनसे पूछते हैं इस मंदिर की विशेषता है। हाँ जी भैया नमस्कार, क्या हाल चाल है, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम भावेश पटेल। अच्छा, तो भैया इस मंदिर की विशेषता बता सकते हैं आप? भैया इस मंदिर का ये है, जो मतलब इस मंदिर की बहुत मान्यता है, जो भी इस मंदिर में 40 दिन करता है उसकी सब मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, मान्यता। ठीक है दोस्तों, बाकी आप भी यहाँ पे 40 दिन तक आओ और हर इच्छा यहाँ पे पूर्ण हो जाती है, ऐसा भैया ने बताया और पंडित जी भी ऐसा बताते हैं। तो भैया किसी की मनोकामना वगैरह पूर्ण हुई आज तक? मतलब हुई है, बहुत मनोकामना। अच्छा, आपकी पूर्ण हुई है। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया मंदिर से यहाँ पे आते हैं? 1.5 से 2 साल हो गए। 1.5 से 2 साल हो गए। अच्छा, तो अच्छी बात है। तो हाँ जी दोस्तों, हमने दरिद्र भंजन महादेव के दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं हम गंगा जी की ओर। दोस्तों मंदिर के सामने कुछ ही दूरी पर गंगा जी भी बह रही हैं, तो गंगा जी के भी दर्शन कर लेते हैं। आइए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं गंगा जी दरिद्र भंजन महादेव से कुछ ही दूरी पर बह रही हैं। पानी की ठंडी ठंडी दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हैं गंगा जी, कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। राम राम।